नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत महतो SLPS की वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो सीरीज का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन में हमने बिजनेस प्लान के बारे में बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसे देख लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम महंगाई के बारे में बात करेंगे और महंगाई पिछले कुछ दशकों में किस रफ्तार से बढ़ रही है, आने वाले समय में कहाँ पहुँचने वाली है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में महंगाई होती क्या है। लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ के मैं ये वीडियो ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ। और वो भ्रम ये है कि वस्तुओं के दाम बढ़ जाना महंगाई है। यानी ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि महंगाई तब बढ़ती है जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा यस, कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा नो। मैं आपको बता दूं कि वस्तुओं के दाम बढ़ना महंगाई का मुद्दा नहीं, डेवलपमेंट का मुद्दा है। जिस देश में डेवलपमेंट जितनी तेजी से बढ़ रहा होता है, उस देश में महंगाई भी उसी अनुपात बढ़ जाती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि मुद्दे से भटक जाएंगे। मुद्दा है महंगाई। महंगाई का मतलब है दोस्तों, आदमी की परचेजिंग पावर घट जाना, बइंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाना। हिंदी में इसका मतलब है व्यक्ति की खरीदने की क्षमता कम हो जाना, महंगाई का बढ़ जाना कहलाता है। यानी कि वस्तुओं के दाम अगर बढ़ गए हैं लेकिन आपकी खरीदने की क्षमता पहले जैसी है, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, तो आपके लिए महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। आप पे महंगाई बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर वस्तुओं के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं, तब भी किसी कारण से आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाए, तो आपके लिए वस्तुओं के दाम बढ़े बिना भी महंगाई बढ़ जाएगी। बस समझ में आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, जो महीने के 50,000 रुपये कमाता है, जिसमें से 10,000 रुपये वो महीने भर का राशन लाने में खर्च कर देता है। यानी अपनी इनकम का 20% हिस्सा वो राशन लाने में खर्च कर देता है। अब मान लीजिए 5 साल बाद वस्तुओं के दाम बढ़ गए, जितना राशन पहले 10,000 में आता था उतना राशन अब 20,000 रुपये में आ रहा है, तो क्या महंगाई बढ़ी या नहीं? ये डिपेंड करता है इस बात पर कि राम की इन 5 सालों में इनकम बढ़ी या नहीं, और यदि बढ़ी तो कितनी। 5 साल पहले राम अपनी इनकम का 20% राशन लाने में खर्च कर रहा था। 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 इजकल टू 20। आज आज की डेट में यदि राम 20% से ज़्यादा हिस्सा अपने इनकम का राशन लाने में खर्च कर रहा है, तो उसके लिए महंगाई बढ़ी है। और यदि अपनी इनकम का 20% से कम हिस्सा राशन लाने में खर्च कर रहा है, तो उसके लिए महंगाई घटी है। वस्तुओं के दाम दुगने हो गए हैं, 10,000 का राशन 20,000 में आ रहा है, तो राम की इनकम भी अगर दुगनी हो गई है या उससे ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसने महंगाई को हरा दिया है। महंगाई उसके सामने बेअसर हो गई है, उसकी खरीदने की क्षमता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और यदि राम की इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, तो क्या होगा? अब उससे अपनी इनकम का 40% राशन लाने में खर्च करना पड़ेगा, या फिर कम वस्तुएं खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि महंगाई जीत गई और राम की खरीदने की क्षमता कम हो गई। सो बेसिकली समझने की बात यह है कि महंगाई का वस्तुओं के दाम बढ़ जाने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि महंगाई का संबंध अपनी खरीदने की क्षमता से है। यानी डायरेक्ट लिंक आपके इनकम से है। यानी अगर महंगाई को बेअसर करना है, तो वस्तुओं के बढ़ते हुए दाम को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने की या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। और इतनी तेजी रफ्तार से बढ़ाने की जरूरत है कि उसकी रफ्तार महंगाई की रफ्तार से ज्यादा हो। और इसीलिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। अब मैं आपको यही समझाने भी वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप महंगाई से ज़्यादा रफ्तार से अपनी इनकम को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके बढ़ा सकते हैं। कोई भी दौर हो, समाज में तीन तरह के लोग हमेशा होते हैं, आम आदमी, खास आदमी और VIP आदमी।
आम आदमी वो होता है जो जिंदगी भर अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में ही उलझा रहता है और उन्हें पूरा करते करते ही मर जाता है, यानी गरीब आदमी। खास आदमी वो होता है जो जिंदगी को थोड़ा बहुत बेहतर बना लेता है। ये आदमी अपनी जरूरतें पूरी करते करते जीवन में थोड़ी बहुत संपत्ति भी बना लेता है, यानी मध्यम वर्गीय आदमी। और वीआईपी आदमी वो होता है जो जीवन में इतना सारा कमा लेता है कि अपनी पीढ़ियों का भी इंतजाम कर देता है। यानी ये वो आदमी होता है जो वास्तव में अपनी चाहतों की जिंदगी जीता है। उस दौर में मौजूद लगभग सभी बेहतर से बेहतर चीज़ों का उपभोग करता है और एक बहुत सुंदर जिंदगी जीता है। बात करते हैं सन 1945 की, यानी हमारे देश की आज़ादी की आसपास की समय की। एक आम आदमी की औसत मासिक आय यानी मंथली इनकम हुआ करती थी लगभग 10 रुपये प्रति माह। भयंकर गरीबी थी, लेकिन पेट भरने और तन ढकने लायक गुजारा इतने पैसे से हो सकता था। उस समय का मध्यम वर्गीय यानी खास आदमी उसे माना जाता था जो लगभग 50 से 55 रुपये महीने का कमा लेता था। लेकिन उस समय भी समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो महीने का 100 रुपये से भी ज़्यादा कमा लेते थे। वो थे उस समय के वीआईपी लोग। वो वीआईपी ऐसे वीआईपी नहीं थे कि बड़ी बड़ी कारें ले सके, लेकिन क्योंकि आम आदमी के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी संपत्ति निर्माण करने में सक्षम थे। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1945 में 1 तोला यानी 10 ग्राम सोने का मूल्य मात्र 62 रुपये था। ये जानकारी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। दोस्तों, महंगाई की रफ्तार की अगर हम बात करें तो महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी 1945 से 20 साल बाद की यदि बात करें, यानी 1965 की, तो एक आम आदमी को अपने घर का खर्चा चलाने के लिए लगभग 100 रुपये प्रति माह की कम से कम आवश्यकता पड़ने लग गई थी। यानी जितने पैसे 20 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कमाता था उसे वीआईपी समझा जाता था, उतना पैसा तो अब आम इंसान को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही चाहिए था। और इस दौर में 500 रुपये प्रति माह कमाने वाले को खास आदमी और 1,000 रुपये या उससे ज़्यादा रुपये प्रति माह कमाने वाले को वीआईपी का दर्जा दिया जाने लगा। समय बीतता गया और 20 साल और गुजर गए। 1985 आते आते इतिहास एक बार फिर से दोहराया। अब एक आम आदमी को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह की जरूरत पड़ने लग गई थी। आर्मी की एक ऑफिसर की सैलरी भी लगभग 1,500 रुपये होती थी। आज एक ऑफिसर का सैलरी 70,000 रुपये से ऊपर है और 2025 के बाद 1,25,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। 1985 आते आते जो व्यक्ति 5,000 रुपये पर मंथ से ऊपर कमा रहा था उसे खास आदमी समझा जाने लगा और वीआईपी का दर्जा सिर्फ उन्हें दिया जाने लगा जिनकी पर मंथ इनकम 10,000 रुपये पर मंथ से ऊपर थी। 20 साल बाद 2005 आते आते एक आम आदमी को अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर मंथ कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ की जरूरत पड़ने लग गई थी। यहाँ से आगे की कहानी आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। आप में से बहुत से लोगों की तो ये अपनी खुद की कहानी होगी। उस टाइम पे जो व्यक्ति 50,000 या उससे आसपास की पर मंथ की इनकम ले रहा होता था उसे हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि ऐसे लोगों को खास माना जाता था। और 1 लाख या उससे ऊपर कमाने वाले तो वीआईपी लोगों की कैटेगरी में आते थे। जिन लोगों की उम्र इस समय 30 से पार है वो मेरी बात को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को इतिहास क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने इतिहास से सीख लेकर भविष्य को सुधार सकें। आज 2020 चल रहा है। अब मेरा आप लोगों से दूसरा सवाल है, ध्यान से सुनना। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आज 2020 में क्या किसी आम इंसान की परिवार का खर्च 10,000 रुपये पर मंथ इनकम से चल सकता है? क्या 1 लाख पर मंथ इनकम लेने वाले को आज की डेट में वीआईपी कहा जाता है या समझा जाता है? आज जमाना बदल चुका है। जरूरी वस्तुओं के दाम और लोगों की जरूरतें परस्पर
15 साल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपये में परिवार तो छोड़ो, अपना खुद का खर्चा निकालना भी आज के डेट में मुश्किल है। आज एक परिवार को ठीक ठाक स्मूथली मेंटेन करने के लिए कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया चाहिए ही चाहिए। इससे कम कमाने वालों को आज की डेट में तो शादी भी नहीं करनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये नहीं है कि आज क्या स्थिति है या आज से पहले क्या स्थिति थी, बड़ी समस्या तो ये है कि आने वाले वर्षों में क्या स्थिति होने वाली है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। इस हिसाब से 2005 के बाद अगले 20 साल पूरे होने वाले हैं सन 2025 में, और इतिहास अपने आप को और एक बार दोहराएगा। पिछले चार्ट को देख के आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आने वाला भविष्य क्या होगा। सन 2025 में एक आम इंसान को अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ने वाली है मात्र अगले 4 से 5 साल बाद। 5 लाख रुपए की पर मंथ या उससे ज़्यादा जो व्यक्ति कमा रहा होगा, सिर्फ उसको ही पूरे खानदान में इज्जत मिलेगी और खास का दर्जा मिलेगा। यानी साल का कम से कम 50 से 60 लाख कमा रहा होगा तभी कहलाएगा खास आदमी। और वीआईपी की कैटेगरी में तो सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जो लोग 10 लाख से ऊपर पर मंथ कमा रहे होंगे, यानी सालाना इनकम 1 करोड़ से ऊपर जिनकी होगी उनके ही पास होगा वीआईपी कहलाने का हक। और 6-7 साल बाद ही क्या, इसकी शुरुआत तो अभी से हो चुकी है। 6-7 साल बाद तो पूरा समाज भी इस सच को स्वीकार कर चुका होगा। मेरे दोस्तों, मैं अब जो सवाल आपसे पूछने वाला हूँ उसका जवाब आप लोगों मुझे देने की जरूरत नहीं है। बस दिल पर हाथ रख के पूरी सच्चाई से अपने आप को इस सवाल का जवाब दे देना। और सवाल ये है कि क्या आपके पास इस बात की कोई गारंटी है कि आप आज से 6-7 साल बाद जिंदा रहोगे? क्या इस बात की कोई गारंटी है आपके पास है? अगर नहीं, तो क्या आप आज की डेट में ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे कि भगवान ना करे अगर आप आने वाले समय में ना भी रहें तो भी अपने परिवार को कम से कम 1 लाख रुपए महीने का इनकम या उससे आसपास का इनकम तो आती ही रहे? क्या आप इसका इंतजाम कर चुके हो? इस सवाल का जवाब आपको मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को देने की ज़रूरत है। अगर आपने इस स्थिति से निपटने का इंतजाम अभी तक नहीं किया है तो कब करोगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कैसे करोगे? अब तक आपके समझ में क्या आया क्या नहीं आया वो तो मैं बिल्कुल नहीं जानता दोस्तों, लेकिन अब जो जानकारी मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ वो जानकारी इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब जो जानकारी मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ उसका फायदा लेके आप अगले कुछ वर्षों में ना सिर्फ अपने और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि खुद को वीआईपी की कैटेगरी में ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती है कि अभी तक आपने वीडियो का लाइक का बटन अगर नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए। जैसा कि मैंने कई बार बता चुका हूँ कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा अवसर है अमीर बनने का, और इस इंडस्ट्री का इनकम पोटेंशियल को भी कई बार अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, और आपके सामने ढेर सारे रीजन रख चुका हूँ कि क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। फिर भी हमारे 98% दोस्तों, रिश्तेदारों और बाकी जानने वाले आज भी इस इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल पर भरोसा तो हो गया है लेकिन खुद के पोटेंशियल पर अभी तक भरोसा नहीं हो पाया है कि मैं भी इस इंडस्ट्री में सफल हो पाऊंगा। बस सही भी है दोस्तों, जिस प्रकार मेडिकल के एंट्रेंस की तैयारी करने वाला हर बच्चा मेडिकल का एग्जाम को क्लियर करके डॉक्टर नहीं बन सकता, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने वाला हर व्यक्ति भी डायमंड नहीं बन सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायमंड नहीं बनेंगे। समस्या ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप डायमंड बनेंगे या नहीं। चलिए आपकी इस समस्या को भी खत्म कर देते हैं।
आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि इसमें तो लोगों को जोड़ना पड़ता है, इसमें तो लोगों को बनाना पड़ता है। जबकि असल बात तो यह है कि इसमें ना किसी को जोड़ना है ना किसी को बनाना है, क्योंकि जोड़ता तो डॉक्टर है टूटे फूटे लोगों को, जोड़ने का काम तो डॉक्टर का है और बनाने का काम तो भगवान का होता है मेरे भाई। पूरी दुनिया में सबको उसी ने बनाया है, इसीलिए जोड़ने बनाने के चक्कर में मत पड़ो। इस बिजनेस में तो आपको बस एक ही छोटा सा काम सीखना है, अपने गेस्ट को अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करने का तरीका, बस यही सीखना है आपको। इस छोटे से काम को सीखना छोड़ के हम पता नहीं क्या क्या तिगड़मबाजी करने में लग जाते हैं। 8-10 दिन ट्रेनिंग लो और इस छोटे से काम को सिस्टम के अनुसार सीख लो, उसके बाद इस बिजनेस में सब कुछ आसान है। सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ बल्कि प्रूफ करूंगा इस वीडियो में क्यों और कैसे आसान है। दूसरी बात जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो, आपको सफल होने के लिए कम से कम 2 घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग की जंग आप उसी दिन जीत जाओगे जिस दिन आप अपने नेटवर्क में अलग अलग लेग में कम से कम 2 घोड़े फिट कर दोगे। ध्यान देना दोस्तों, मैं घोड़ों की बात कर रहा हूँ, गधों की नहीं। घोड़े मतलब ईमानदार कर्मठ इंसान जो बिजनेस को पूरी ईमानदारी से समझते हैं और सीखते हैं और फिर पूरी ताकत से काम में जुट जाते हैं, जैसे कि आप खुद हो। अब मेरे दोस्तों के मन में कुछ सवाल आ रहा होगा कि 2 घोड़े ढूंढने में कितने टाइम लग सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार शुरुआती बेसिक बातों को सीख के सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हो और अपने कम से कम 100 गेस्ट को अपनी अपलायन से कनेक्ट करवा देते हो, या कंपनी मीटिंग में बैठा के कंपनी का पूरा प्लान दिखा के अच्छे से डाउट को क्लियर कर देते हो, तो 100 में से 2 लोग आपको घोड़े मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि कितना समय में आप 100 गेस्ट को सिस्टम से कनेक्ट कर देते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि एक व्यक्ति जिसने आज ही बिजनेस ज्वाइन किया है उससे 2 घोड़े ढूंढने में एवरेज टाइम कितना लग सकता है। सिर्फ 100 लोगों को ही तो सिस्टम से कनेक्ट करना है, इस छोटे से काम को करने में कितना समय लग सकता है। इस सर्वे का इंटरनेशनल लेवल पर जो रिजल्ट आया वो क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इस सर्वे का रिजल्ट ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, अपने परिवार के प्रति ईमानदार है और उनकी परवाह करता है, तो मैक्सिमम 10 से 12 दिन में 2 घोड़े ढूंढ ही लेता है। यदि कुछ करना ही नहीं चाहता, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, बिस्तर से उठना ही नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति की तो पूरी लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। फिर 10 से 12 दिन नहीं, ज्यादातर लोगों का जवाब मिलता है 15 से 20 दिन। हम इसी को यदि पकड़ लें तो दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो कि क्या 15 से 20 दिन में 2 घोड़ों को ढूंढा जा सकता है, यस या नो। यदि आपका जवाब यस है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका जवाब नो है तो अपने सुविधा अनुसार टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा लो, 30 दिन यानी 1 महीना कर लो। क्या 1 महीने में 2 घोड़े ढूंढे जा सकते हैं? यदि आपने 1 महीने में भी मात्र 2 घोड़े भी ढूंढ लिए, यानी ईमानदारी से काम करने वाले 2 मेहनती व्यक्ति भी ढूंढ लिए और इन्होंने भी 2 घोड़े ढूंढने में उतना ही टाइम लगा दिया जितना आपने लगाया था, और आगे भी इसी स्पीड में काम चलता रहा, तो अगले 12 महीने में यानी अगले 1 साल के बाद आपकी टीम में टोटल घोड़ों की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी और आपकी मंथली इनकम कहाँ पहुँच जाएगी, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले महीने में 2, दूसरे महीने में इन 2 के साथ भी 2-2 यानी 4, तीसरे महीने में इन 4 के साथ भी 2-2 यानी 8, इसी प्रकार से अगले महीने में 16, फिर 32, फिर 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। इसी प्रकार आपकी टीम में टोटल घोड़ों की यानी एक्चुअल में काम करने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी 1 साल में 8000 से भी ऊपर। ये मैं टोटल टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ घोड़ों को
यानी काम करने वाले मेहनती लोगों को ही काउंट कर रहा हूँ। पूरी टीम तो एक साल में 20,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, लेकिन हम अगर काम करने वाले लोगों को ही काउंट करें तो उनकी संख्या एक साल में आराम से 8,000 से ऊपर पहुंच सकती है। और उनके यदि हम पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम को ही काउंट करें तो भी सिर्फ उसके आधार पर भी आपकी पहले साल की इनकम लगभग 40 से 50 लाख के बीच में आराम से पहुंच जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं जानता हूं कि अभी अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो कानों को सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर आप में से ज़्यादातर लोगों को इन फिगर्स पर भरोसा नहीं हो रहा होगा। एक साल में 8,000, वो भी घोड़े, और इनकम 50 लाख, इट इज़ रियली पॉसिबल? क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा, येस माई डियर फ्रेंड, दिस इज 100% पॉसिबल। ये उतना ही पॉसिबल है जितना किसी एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाना। किसी एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाना इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सभी के 100 में से 100 नंबर नहीं आते। फिर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33। फिर यदि इस पूरे काम को हम 100% मान लें तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, क्या इसका 33% काम किया जा सकता है? यदि आप इस काम का मात्र 33% ही काम करने में सफल रहे, तब भी आपकी टीम में पहले साल में 2,700 घोड़े तो आ ही जाएंगे और पहले साल की टोटल इनकम 13 लाख क्रॉस कर देगी, यानी महीने के इनकम लगभग 1 लाख। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। यहाँ 33% लाने वाला भी लाख रुपए महीने कमा लेता है। फिर भी मेरे कुछ दोस्तों को लग रहा होगा कि यार 33% भी मुश्किल ही है, नहीं हो पाया तो। ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है मेरे दोस्त, जहाँ 33% से कम परफॉर्मेंस करने पर आदमी फेल हो जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ 33% से कम परफॉर्मेंस देने पर भी आदमी आगे ही बढ़ता है। ये खुद के भीतर झांकने का समय है। किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछो, अगर 33% भी आपको मुश्किल लग रहा है तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपसे हो सकता है? 25%, 20%, 15% या 10%? भाई मेरे आंखें खोल और ध्यान से समझ, तेरे और तेरे परिवार की भविष्य का सवाल है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में 10% परफॉर्मेंस देने वाले को कोई ऑफिस में भी घुसने नहीं देता। एक्चुअल में 10% परफॉर्मेंस करने वाले की मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां तू पहले साल में 10% भी अगर कर गया ना, तो भी तगड़ा पैसा पहले साल में कमा लेगा। 100% परफॉर्मेंस देने पर अगर 8,000 से ज़्यादा मेहनती, ईमानदार और पूरी ताकत से काम करने वाले लोग तेरे टीम में आ सकते हैं, तो 10% परफॉर्मेंस देने पर भी कम से कम 800 घोड़े तो तुझे मिल ही जाएंगे। और इतना भी अगर पहले साल में तू कर गया, तब भी कम से कम 4 लाख तो पहले साल में कमा ही लेगा। अब इस वीडियो को देखने वाले अभी सभी लोग खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज की डेट में सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं। क्या सभी लोग 4 लाख रुपए सालाना कमा पा रहे हैं? फिर कुछ लोगों में इतने ज्यादा अतरंगी कीड़े होते हैं कि वो लोग इतना ज्यादा समझाने के बाद भी बोल देते हैं, सर अगर ये 10% काम भी नहीं हो पाया तो, सर अगर ये 10% काम भी नहीं हुआ तो। फिर दोस्तों, ये तो, लेकिन, किंतु, परंतु, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके आगे लग जाते हैं ना, उसका मतलब ही बदल देते हैं। फिर अब जो सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, सवाल ये है, क्या इस काम का मात्र 1% पहले साल में हो सकता है? क्या कहा मैंने? 10% नहीं, 9% नहीं, 8% नहीं, 7% नहीं, 5% नहीं, 4% नहीं, 3% नहीं, 2% नहीं। क्या इस काम का मात्र 1% काम पहले साल में हो सकता है? कमेंट में टाइप कीजिए यस या नो। 1% की यदि बात करूं तो 1% काम करने के लिए यदि किसी मुर्दे से भी बोला जाए ना, वो शायद वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, मुझे बताओ क्या करना है, मैं करके जाऊंगा।
मेरे परिवार का भविष्य का सवाल है। फिर यदि आपकी बात मान लेते हैं कि आप पहले साल में 99% फेल हो गए और मात्र 1% परफॉर्मेंस दे पाए, तब भी आप अगले 4 से 5 सालों में यहाँ से क्या कमा सकते हैं उससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 1% काम भी अगर पहले साल में आपके साथ हो जाता है, तब भी पहले साल में कम से कम 80 घोड़े, जिनके दम पर आपका बिजनेस दौड़ने वाला है, आपकी टीम में आ ही जाएंगे। दूसरे साल में इन 80 लोगों के साथ मान लेते हैं कि और भी बुरी सिचुएशन हो जाए और इनके साथ मात्र आधे ही परसेंट यानी 0.5% काम ही हो पाए, तो इनके साथ पूरे साल में मात्र 40 40 लोग ही आ पाएंगे। आपकी टीम कितनी हो जाएगी दूसरे साल में? 80x40 यानी 3200 लोगों की, यानी आपका इनकम कम से कम 16 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। और तीसरे साल में इन 3200 लोगों के साथ यदि मात्र 20 20 लोग भी आ जाएं, या इससे भी कम पकड़ लो, मात्र 10 10 लोग भी 3200 लोगों के साथ आ गए, तब भी आपका नेटवर्क कम से कम 30 हजार लोगों से ज़्यादा का हो जाएगा और आपकी सालाना इनकम लगभग 1.5 करोड़ पार कर जाएगी। यानी आप किसी भी तरह से कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव कैलकुलेशन करके भी देख लो, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल में कन्फर्म करोड़पति बना देगा और आपको भी VIP लोगों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। इसीलिए हम इतना गर्व से सीना ठोक कर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर आज की डेट में कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, ये थी कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो कि महंगाई क्या होती है, किस रफ्तार से बढ़ रही है और कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके बड़े ही आसानी से जीत सकते हैं और अपने परिवार के भविष्य को मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच दे सकते हैं, ताकि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे परिवार सुखी जीवन जी सके। मैं सुशांत महतो आपके धैर्य को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये वीडियो यहाँ से देख लिया है, क्योंकि आप ही हैं जिनके अंदर भूख है जीवन में कुछ बड़ा करने की। मेरी नज़र में तो आप सभी लोग आज से ही VIP बन चुके हैं। जाने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से जिसने नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, दोस्तों इंतजार मत कीजिए और उस व्यक्ति से आज ही संपर्क कीजिए जिन्होंने ये वीडियो आपसे शेयर की है, और आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवार का भी भविष्य का सवाल है।